हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है मेरी कॉलेज पार्टी मेकअप लुक। ये मेकअप लुक बहुत ही इजी और सिंपल लुक है, कॉलेज पार्टी के लिए परफेक्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करी लैक्मे का प्राइमर। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे फिंगर की हेल्प से। उसके बाद अपने फेस को करेंगे मॉइस्चराइज। उसके लिए मैं लूँगी यहाँ जोवेस का गोल्ड मॉइस्चराइजर क्रीम। इसे ब्लेंड करेंगे फिंगर के हेल्प से। इसे अप्लाई करने से ना हमारे जो भी हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग लुक मिलेगा। उसके बाद मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। यहाँ मैंने आईब्रो पाउडर लिया है, ब्रश के हेल्प से फिल कर रही हूँ। आप तो आईब्रो पेंसिल भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपने आई बेस के लिए फिटमी कंसीलर। इसको अपने आईब्रो के राउंड में पूरा अप्लाई करेंगे। और ये कंसीलर बहुत ही बेस्ट है, आपके फेस को भी हाईलाइट करता है और ब्लेंड करने में बहुत इजी है। इसे मैं ब्रश के हेल्प से एज ए ब्लेंड कर लूँगी। तो इस तरीके से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया वहीं पे। उसके बाद मैं इसे सेट करूँगी लूज़ पाउडर से। यहाँ मैंने सिवाना का लूज़ पाउडर लिया है ताकि कोई भी मेरे आई पे कोई क्रीज लाइन ना बने। तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ, पहले लाइट यूज़ कर रही हूँ फिर डार्क यूज़ कर रही हूँ। आई लिड पे पूरा मैं लाइट अप्लाई कर रही हूँ, फिर आउटर कॉर्नर पे डार्क अप्लाई कर रही हूँ। तो आउटर कॉर्नर से फोकस करते हुए इनर कॉर्नर तक ले जाएंगे, वो भी डार्क शेड। उसके बाद मैं फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ गोल्डन शेड। फिंगर की हेल्प से लगाएंगे गोल्डन वाला ना तो बहुत ही बेस्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद हल्का सा स्मोकी देने के लिए आउटर कॉर्नर पे ब्लैक अप्लाई की हूँ। उसके बाद अपने आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए हल्का सा वाइट का इस्तेमाल किया है मैंने। उसके बाद मैंने फेक लेजर्स अप्लाई किया है, आप चाहे तो यहाँ से मस्करा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ NY की लाइनर। तो इस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं रखा है। उसके बाद मैंने फाउंडेशन के लिए लिया है कलर एसेंस का गोल्ड फाउंडेशन। ये मेरी स्किन टोन से बहुत मैच करता है और ये ब्लेंड करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे पूरे फेस पे। उसके बाद यहाँ अपने अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए थिकनी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसे डैप डैप करके ब्लेंड करेंगे, जहाँ मैंने कंसीलर लगाया सिर्फ उन्हीं जगह पे। इस तरीके से डैप डैप करके ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद इसे सेट करूँगी लूज़ पाउडर से। थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लेंगे, उसके बाद हम सेट हो जाए तो उसे रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से अच्छे से मैंने पहले अप्लाई किया है। उसके बाद ब्राउनजर के लिए ले रही हूँ यहाँ पे हल्का सा ब्राउन शेड। इसे मैं ऐसा हल्का सा ब्लशर भी यूज़ करूँगी, क्योंकि कॉलेज पार्टी मेकअप लुक है तो मैं नहीं चाहती कि पिंक फेस लगे मेरा। हल्का सा ब्राउनिश और ग्लैम लुक चाहिए मुझे, तो इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है। लो वाटर लाइन के लिए हल्का सा वो पाउडर लेके मैं इसे स्मच कर रही हूँ एज ए काजल। जो मैंने आईब्रो पे अप्लाई किया था ना, वही मैं अप्लाई कर रही हूँ लो वाटर लाइन पे। फिर लोअर लाइन के लेंसेस पर मैं अप्लाई करूँ मस्करा और बहुत ही लाइट से मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं आईब्रो के नीचे हाईलाइट कर रही हूँ, नोज़ पे हाईलाइट करूँगी और हल्का सा चिप के ऊपर और आई के इनर कॉर्नर पर भी इसे हम हाईलाइट करूँगी। तो पेंसिल ब्रश की हेल्प से करेंगे तो बहुत ही इजी
इस तरीके से मैंने पूरे फेस को अपने हल्का हल्का डायरेक्शन में हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से मेरा लुक रेडी हो चुका है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।